Five years ago, an ordinary boy in Karachi picked up his camera and started shooting videos. Five years ago, he turned his dreams and aspirations into reality. Five years ago, the YouTube scene in Pakistan was officially changed by the one and only Irfan Janejo. <laughs> Welcome to our show, Irfan. Thank, thank you so much for having me. Uh, or Thank you for that kind intro. Nene, of course, we uh, meant it. I think our team was extremely excited to have you today. आई थिंक हमारे से ज़्यादा एक्साइटेड थी सिंस वी इन एजुकेशन थोड़ी सी एजुकेशन से बात शुरू करते हैं आप थोड़ा अपनी तालीम के बारे में बताएं आपने कहाँ से पढ़ा किस चीज़ में इंटरेस्ट था अच्छा तो मैंने आ, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन पूरी थी मैट्रिक तक वो थी पी एफ इंटर कॉलेज मलिर मैं मलिर गढ़ में रहता था और उसके बाद वो फेडरल बोर्ड था आई टू चेंज इट क्योंकि आई बोर्ड ईजी होगा तो आई स्विस्ट न आई वॉज गोइंग इन टू माई कॉलेज मैं आर्मी पब्लिक में चला गया वहाँ mm -hmm. से मैंने इंटर किया और uh, इंटर करने तक मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था आई वॉज ऑलवेज एन अबव एवरेज स्टूडेंट और मुझे बस ये था कि मुझे प्रोफेशनल uh, फुटबॉल खेलना है mm -hmm. तो वन दैट कुड नॉट हैपन तो मैंने मल्टीपल यूनिज में अप्लाई किया था मतलब छः सात में तो किया था मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है mm -hmm. तो दो में हुआ था सी बी एम में और एक में hmm. तो मैंने सी बी एम ज्वाइन कर ली बिकॉज मुझे इवन दो मुझे अब जब मैं सोचता हूँ मुझे एकरा करनी चाहिए थी क्योंकि एकरा में मेरा मीडिया में हुआ था बट आई चोज सी बी एम बिकॉज आईट के सी बी एम वॉज अ बिगर नेम देन तो right. okay. है. अच्छा आपने बीच में जिक्र किया uh, yeah. आपको खेलना था Uh, क्योंकि पाकिस्तान में यू कॉन्ट मेक इट इन टू अ प्रोफेशन और अपरचुनिटीज़ uh, बहुत कम हैं पैसे इतने हैं नहीं कि आप एक बेसिक लाइफ स्टाइल जी सकें उसके बाद एक प्रोफेशनल एथलीट के और एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं डाइट वर्कआउट वो सब चीज़ रिकवरी तो वो चीज़ तो दूर की बात है आप एक बीवी दो बच्चे इनका ख़र्चा उठा लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है ज़्यादातर प्लेयर्स जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हैं मैं सबको नहीं कह रहा लेकिन जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है उनका एक गोल ये होता है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट के लिए खेल लें और जब हम रिटायर होंगे तो हमें उस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाएगी तो गोल ये होता है कि हम अपने आप को सस्टेन कर सकेंगे और तो फिर मैंने ये सोचा था कि चलो मेरा आ, इंटर हो गया नाव आई विल गो टू द के एंड दैट माई फैमिली कुड नॉट अफोर्ड तो उस वजह से मैंने सोचा कि टिल द एज ऑफ एटीन मैं चौबीस घंटे फ़ुटबॉल के बारे में सोचता था mm -hmm. उसके बाद वो मैंने कम कर दिया आफ्टर दैट इट जस्ट वॉज़ अ हॉबी और फिर बाकी चीज़ें शुरू हो गई और फ्रॉम द एज ऑफ एटीन टू ट्वेंटी आई वॉज़ काइंड ऑफ लॉस्ट कि मुझे मेरी हॉबी क्या है करना क्या है hmm. और मेरे उससे ग्रेड्स भी थोड़े बहुत इफेक्ट हो रहे थे कि uh, मेरे लिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया था तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज़ इंट्रोड्यूस टू इकनॉमिक्स मैक्रो इकनॉमिक्स ये mm -hmm. सब चीज़ें तो फिर दो साल के बाद सडनली अ फ्रेंड ऑफ माइन स्टार्टेड फ़ोटोग्राफी उसको देख के मुझे भी शौक हुआ एंड देन इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व इन टू थाउजेंड टेन एक्चुअली आई गॉट इन टू फोटोग्राफी और फिर वहाँ से फिर ये शौक डिवेलप होना शुरू हुआ आई गॉट माई फर्स्ट कैमरा इन टू थाउजेंड टेन आई वॉज ट्वेंटी एंड इट वॉज माई सेकेंड ईयर बी बी है और कैमरा uh, ख़रीदते ही उसके एक आध महीने मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव शौक और मुझे उस एज में आपको रियलाइज़ होने लगता है कि आप कितने बड़े बर्डन बनते जा रहे हैं अपने फैमिली पे और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था एक तो मेरी आर्मी पब्लिक में फीस होती थी, थी कोई दो हज़ार ढाई हज़ार वो अचानक फिर एक सेमेस्टर की हो गई सेवेंटी एटी थाउजेंड वो भी मुझे थोड़ा गिल्ट हो रहा था कि मैं बोझ ही बनता जा रहा हूँ ट्वेंटी का हो गया हूँ तो मैंने डिसाइड किया कि कम से कम जो मेरा शौक़ है इसको मैं फाइनेंस खुद करूँगा तो आई लर्न द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी थोड़ा बहुत एंड देन आई स्टार्टड डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी मैंने एक दोस्तों से डिस्कस किया उन्होंने मुझे ये बोला कि पहले तुम ना एक दो शादियाँ फ्री में कवर करो एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड दे व काइंड इनफ टू इन्वाइट मी टू अ फ्यू शादी जो कि बहुत अमीर लोगों की शादियाँ थीं तो डेकोर तो और एवरी थिंग बहुत अच्छा hmm. अच्छा था तो उसमें तस्वीरें भी अच्छी आ गई hmm. उसको यूज़ करके आई गॉट अ फ्यू वेडिंग्स और मैंने की और उससे थोड़ा बहुत मैंने अपना कैमरा गेयर अपग्रेड किया और उसके कुछ टाइम बाद इस अभी तक दो ढाई साल हो गए थे मेरा बी बी खत्म होने वाला था और मेरा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा इंटरेस्ट डिवेलप हुआ टूअर्ड्स फिल्म मेकिंग क्योंकि फ़ोटोग्राफी से वो नेचुरल ट्रांजेसन हो जाती है एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ फॉर माई फ़ुटबॉल क्लब मैं अपने फ़ुटबॉल क्लब का सोशल मीडिया मैं मैनेज करता था तो उनकी जो भी छोटी मोटी वीडियोस हैं वो मैं बनाता था क्योंकि बचपन से मैं नाइकी एडिडस के कमर्शल्स देखता था तो उनसे इंस्पायर्ड होके बहुत सारी चीज़ें मैं बनाता था एंड एट द सेम टाइम स्नैपचैट की स्टोरीज़ आना hmm. शुरू हुई थी तो आई वॉज मेकिंग स्नैपचैट स्टोरीज़ आई वॉज अ लॉट ऑफ फन एंड देन वन फाइन डे मुझे ये क्लिक हुआ कि मुझे फिल्म uh, मेकिंग का शौक है मैं स्नैपचैट पे स्टोरीज़ भी बना रहा हूँ hmm. तो इफ़ आई कम्बाइन दीज टू कि वो स्पॉन्टेनियस चीज़ हो लेकिन वो थोड़ी सी पॉलिश हो उसमें अच्छा म्यूजिक हो mm -hmm. तो देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ प्रॉपर व्लॉग ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड वीडियोस आपको फोटोग्राफी का शौक था एंड देन आप स्नैपचैट पर वीडियोज़ बनाते थे सो दीज इज़ काफ़ी बच्चों को लाइक like, टिकटॉक्स पे वीडियोस बनाने का शौक mm -hmm. है जस्ट जनरली बट गोइंग पब्लिक Is an entirely different thing because mm -hmm. it requires you to expose a lot about yourself. Mm -hmm. um, considering how you call yourself an introvert, mm -hmm. how difficult was that for you? It was quite surprisingly, it was very, very easy because introverts generally find it very hard to socialize. I am just in front of my camera. I am because introverts have a lot of time in their mind, so I had to express So I express और कैमरा uh, है उसके ना एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं ना उससे कुछ करना है या आई फाउंड इट वेरी इजी मेरे hmm. मेरे बहुत सारे लोग जब मुझसे बही दफ़ा मिलते हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा शौक यही होता है कि आप कैमरे पे तो इतना ज्यादा बोलते हैं hmm. और सामने आप इतने खामोश hmm. हैं क्योंकि वो इंसान नहीं है ना फाउंड इट इन Your, one of your previous answers, you mentioned about sustainability, right? Uh, yeah. And why you didn't take football as a profession. Yeah. So, um our especially like our parents' generation, they're not very receptive and accepting of the newer professions that we have now. Mm -hmm. Um Be it stand-up comedy, be it vlogging or blogging for that matter. Mm -hmm. Um Your family, my first question for this is, how did your family react to this? Is, Uh, मेरी फैमिली ने दे वर नॉट सपोर्टिव कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम है और ज़रूर करो लेकिन दे वर नॉट डिसमिसिव एज वेल कि ये क्या कर लिया शुरू ऐसा थोड़ी दे वो जस्ट ओके इट कि सही है कर रहे हो शौक़ है करो कोई मसला नहीं है they नहीं हूँ कि uh, मेरी तबीयत किस तरह की है मैं ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ मेरी फैमिली को कभी भी मसला नहीं हुआ कि वो वीडियो में आएंगे या नहीं आएंगे मैं हमेशा उस बारे में बड़ा कॉन्शियस होता था कि मुझे अपनी फैमिली लाइफ नहीं दिखानी तो देवर ओके okay अपनी वाइफ के साथ भी, वो या, वो आज तक, भी शादी का वो आज तक वो सवाल आता है कि और आई डोंट अंडरस्टैंड वाई क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी में उसका बड़ा एक फैसिनेशन है लेकिन मेरे इसके पीछे एक सिंपल सी थिंकिंग है मैं ये ये मेरा एक शौक है एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बडी एल्स टू सफ़र बिकॉज ऑफ़ इट अब अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपनी बेगम के साथ और उसके ऊपर ऑफ़कोर्स पीपल आर गोइंग टू जज कि ये बोलती किस तरह है ये कपड़े क्या पहने हैं तो अपने बारे में तो मैं सुनने को तैयार हूँ बिकॉज़ आई हैव चोजन दिस और इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं फेस hmm. hmm. बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं जो मैंने उनका फ़ायदा उठाया है और बुरी बातें भी हुई हैं जो मैंने बर्दाश्त की हैं आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू सफ़र बिकॉज ऑफ़ इट इफ़ शी वॉज फॉर एग्जाम्पल इफ शी वॉज ऑलरेडी अटर उसकी ऑलरेडी पब्लिक होती तब तो मेरे लिए ठीक था hmm. लेकिन शी इज़ अ प्राइवेट पर्सन तो आई रिस्पेक्ट दैट बिल्कुल अच्छा माई सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस इज के सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशन लाइक ब्लॉगिंग आपको लगता है कि इसकी भी शेल्फ लाइफ है जिस तरह अदर प्रोफेशन आर शेल्फ लाइफ के पाँच साल दस साल उसके बाद यू नो फ्यूचर क्या है विल इ लास्ट देखें ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ और आ, मुझे ये लगता है कि एज लॉन्ग एज यू कीप इ्विंग तो उसकी शेल्फ लाइफ होती नहीं है मतलब यू हैव टू इवॉल्व एज अ क्रिएटर एज अ पर्सन तो आप नेचुरली होते ही हैं लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो फिर आप बहुत जल्दी रेलिवेंट भी हो जाते हैं यू हैव टू कीप ऑन द वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर इज यू हैव टू कीप ऑन री इन्वेंटिंग योर सेल्फ लेकिन मेरे साथ सिर्फ मेरे केस में मसला ये है कि मेरे लिए इट बिकेम अ प्रोफेशन बट सबसे पहले मेरे लिए ये एक पैशन था हॉबी थी और मैं चाहता हूँ कि अभी भी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं बन जाए hmm. अगर मैं कभी भी कैमरा hmm. उठाऊँ तो मेरे लिए ये हो कि यार आई एम डूइंग समथिंग आई लव एंड इट्स ऑल्सो मेकिंग मी मनी तो मेरे लिए नाव आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अदर ऑप्शनस के मुझे यूट्यूब uh, पे या कंटेंट पे इस इस चीज़ के लिए रिलाई नहीं करना पड़े कि मैं इससे अपने बिल्स पे करूंगा hmm. तो नाउ इट्स मेरी अपनी पर्सनल चीज़ है लेकिन मैं किसी और को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा hmm. लेकिन लेट्स आप एक फैशन ब्लॉगर हैं आप शुरू करती हैं अगर तो आपको अपने आप को री करना पड़ेगा ऑफकोर्स फिर आपकी शादी होगी फिर वो आपका शायद थोड़ा बहुत वो मोमी लाइफ ब्लॉग बन जाएगा hmm. फिर थोड़ा बहुत आगे होगा तो पेरेंटिंग लाइफ स्टाइल टाइप ब्लॉग बन जाएगा तो वो होता रहेगा एंड योर ऑडियंस विल विद यू बिल्कुल absolutely. तो बहुत जरूरी है मॉडलिंग एक्टिंग उसमें भी शेल्फ लाइफ होती है काफ़ी बच्चे आजकल ये भी चाह रहे हैं कि यू नो दे वॉन्ट टू ड्रॉप आउट ऑफ एजुकेशन एंड गेट इन टू ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग बिकॉज उनको एक जगह से लगता है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ शॉर्टकट यू नो कि आप क्या इतना पढ़ो क्या डॉक्टर बनो क्या इंजीनियर बनो सो वॉट वुड योर एडवाइस बी टू सच किड्स देखिए मेरी एडवाइस शायद आप सैग्री ना करें <laughs> मेरी एडवाइस यही है कि हम मैंने अपने लिए बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अगर आपको लॉयर बनना है डॉक्टर बनना है तो तो आपको कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेशन चाहिए बट यू डोंट रिली नीड सर्टिफिकेशन टू बी फिल्म मेकर और एन एक्टर तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं मैंने बी बी लिए किया ताकि मेरे लिए एक बैकअप हो मेरे लिए बैकअप के लिए इतना ठीक था कि मैं फेल ना हो रहा हूँ मेरे अच्छे ग्रेड्स आ रहे हो मुझे कोई फोर जी नहीं चाहिए थी मैंने ग्रेजुएट किया है थ्री जी पे जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी है तो उसकी मुझे लाइफ में हमेशा से मेरे जहन में एक चीज़ रही है कि इफ़ दिस यू थिंग थिंग डजेंट वर्क आउट मैं नौकरी कर सकता हूँ मेरे पास एक डिग्री है जो मुझे दुनिया में कहीं भी नौकरी दिलवा सकती है अगर नौबत आती है तो उस चीज़ के लिए आई थिंक डेफिनेटली होना चाहिए और अगर आपको डॉक्टर लॉयर uh, बनना है उसके लिए होना चाहिए लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डोंट थिंक यू नीड एनी वन टू टेल यू कि आपको इस तरह फिल्म बनानी चाहिए लेकिन जितने भी बच्चों को मीडिया स्टडीज़ का शौक़ है उनको एक एज ये मिल जाती है अगर आप से मैं फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ अगर आप फिल्म स्कूल जाती हैं तो आपको ये एज होगी कि आप जो भी आप सीखेंगी वो मैं सीख सकता हूँ इट्स ऑल अवेलेबल ऑनलाइन बट द नेटवर्क यूल है फोर ईयर्स आप छः डी ओ पी को जानती होंगी चार डायरेक्टर को दस एक्टर को जानती होंगी ना मुझे कोई जानता है और ना मैं किसी को जानता हूँ तो मुझे वो स्क्रैच से कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे बिल्कुल ओके सो वट वन स्टैंड आउट और मेक्स यू स्टैंड आउट जनरल इसका आंसर ये वट मेक्स वन स्टैंड आउट इज़ यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन हर बंदा अलग अलग होता है आजकल सोशल मीडिया पर इतनी सैचुरेशन हो गई है लेकिन फिर भी आपको हर एक दो महीने बाद कोई ऐसा क्रिएटर नज़र आता है जो आपको अलग दिखता है बिकॉज दे आर देम ये हो गई पर्सनलिटी की बात उसके बाद आती है पैकेजिंग मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट इस तरह करता हूँ कि आई ट्राई द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू बी रियल मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेटेबल उसके साथ वो ऑटोमेटिकली हो जाता है इफ़ यू आर बींग योर सेल्फ और दूसरी चीज़ ये होती है कि आई क्योंकि मेरा शौक भी है तो आई ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट अलॉट इन कैमरा गेयर तो इफ़ यू ओपन अप एनी वीडियो आप स्क्रोल कर रहे हैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं मेरी वीडियो आएगी तो आपको वो एक डिफरेंस फील होगा दैट माइड नॉट बी रेलिवेंट और आपके लिए बहुत वो रुकने का बाइस ना हो लेकिन एटलीस्ट दैट स्टैंड मी आउट आप जरूरी नहीं उसके अच्छे होते हैं ओके सो इरफान आपने बीच में एक ब्रेक ली थी फॉर योर मेंटल मुझे ब्रेक की जरूरत है uh, देखें <coughs> इसकी, मतलब आई डिटेल में मैं इसका आपको बताता दूँ बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट और आपकी ऑडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है इट वॉज माई पैशन मेकिंग दैन इट टर्नड इन टू अ प्रोफेशन विच वॉज़ मेकिंग मी मोर मनी दैन दैट आई कड एवर इमेजन जिस टाइम पर मैंने uh, वो वीडियो बनाई थी उस I was making the most amount of money that आई ever made in my life. तो उस time पे I was not happy क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें थीं जो मेरे ना दिमाग में मैंटल लूप फंस गए थे एक ये था कि क्या मैं दुनिया में इसी ही आया हूँ कि बस मेरी जिंदगी देखो कैसी है मैं यहाँ जा रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ एक चीज ये थी दूसरा ये था कि परफेक्शनिस्ट uh, हो गया था मैं बहुत ज़्यादा एक वीडियो में बनाता था और मुझे उससे बिल्कुल कोई जॉय कुछ uh, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील नहीं होता था मुझे बस ये होता था कि यार आई डोंट लाइक दिस वीडियो अब लोग देखेंगे जज करेंगे मुझे नहीं बनानी है हुँ. और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट uh, चीज़ थी वो ये थी कि आई है एक्सपेरिमेंटिंग स्टॉप टेकिंग रिस्क क्योंकि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा तो आप बहुत आज़ाद फील करते हैं ये मैं नए क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज करके बताता हूँ लेकिन जब आपकी एक ऑडियंस है उनकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है फिर अचानक अगर आप कुछ नया ट्राई करते हैं जैसे आपने एक वीडियो की बात की थी द स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर जब मैंने वो वीडियो डाली तो मुझे पता था कि ये मेरी कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है इसमें मेरी शक्ल शायद हार्डली दस सेकेंड के लिए हैं एंड पीपल कम ऑन माई चैनल टू वॉच मी तो ये शायद ना चले और उस पर बहुत पॉजिटिव कॉमेंट्स आए और मुझे लगा कि मैंने कोई नेटफ्लिक्स टाइप की चीज़ बनाई है लेकिन उस पर ये वाले कॉमेंट्स भी आए कि हम ये अंकलों की बात सुनने थोड़ी आए आएर हम तो आपको देखने आते हैं आपकी शक्ल आई नहीं वी डेंट लाइक इट तो आई थाट कि मे बी मैंने एक ऐसी ऑडियंस जमा कर ली है जो वो अप्रिशिएट नहीं कर दैट दे आर हेयर फॉर द पर्सनैलिटी बट नॉट फॉर द क्राफ्ट तो और एक लास्ट चीज़ जो मेरे जहन में फंस गई थी विच वॉज आई थिंक द मोस्ट डैमेजिंग वो ये थी कि आई हैड स्टार्टड हेटिंग फेम एज अ कॉन्सेप्ट और वो ये था कि मैं बिलीनियर बन जाऊँ इफ़ आई डोंट लाइक बींग अ बिलीनियर आई कैन जस्ट गिव ऑल माई मनी अवे बट मैं फेमस फॉर लाइफ रहूँगा फॉर भले मैं इेलिवेंट हो जाऊँ लेकिन मैं फेमस रहूँगा फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे रोनाडीनियो वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल रोनाडीनियो वॉज नॉट रेलिवेंट बट रोनाडीनियो को जेल हो गई एंड इट वॉज ब्रेकिंग न्यूज़ एवरी न्यूज़ चैनल तो कभी भी मैं फोर्टी फाइव का हो जाऊँ कोई मेरे साथ कोई मिसहैप होता है और hmm. कुछ भी होता है मैं न्यूज़ में वापस आ जाऊँगा hmm. तो वो चीज़ मुझे परेशान करने लगी एंड आई हैड अ प्रॉपर ब्रेक डाउन मेल्ट डाउन और मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए hmm. इससे दूर होना है आई नीड टू फिगर आउट कि मुझे करना क्या है hmm. Hmm. तो आई टुक अ ब्रेक एंड मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपनी ऑडियंस को बोल दिया कि नाउ व्लॉगिंग इज़ नो लॉन्गर अ प्रायोरिटी इन माई लाइफ और दैट इज़ स्टिल ट्रू आई आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो एज अ व्लागर नहीं हो तो आई कीप एक्सपैरिमेंटिंग आई ट्राई न्यू थिंग्स या बट मतलब मैं समझता हूँ कि व्लॉगिंग के बहुत सारे जनरर्स होते हैं अब जैसे वो एक पोलिटिकल कॉमेंटेटर हैं इमरान रियाज खान मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि जब भी वो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ना वो बोलते हैं कि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा तो दैट इज़ ऑल्सो व्लॉग वो टेक्निकली ही इज़ नॉट रॉन्ग बट मैं ये कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट मेरे ज़हन में मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम यूट्यूब क्रिएटर सर कंटेंट क्रिएटर ऑलराइट सो ये जो आपने फिर गैप लिया था फॉर फ्यू मंथ्स हाउ डिड यू स्पेशली सिंस नवंबर इज मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ आपने हाउ डिड यू डील विद इट हाउ डिड यू कोप विद इट एंड व्हाट हेल्पड यू गेट थ्रू दिस फेज बस एक चीज थी जो मैंने नहीं की और उसमें कोई बुराई नहीं है मैंने प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं की क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें कर ली एंड उन्हीं से मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया तो पहले तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा इसमें कुछ बुराई नहीं है इफ़ यू वो ना थेरेपिस्ट उसमें कुछ मसला नहीं है और मैं डेफिनेटली करता लेकिन उससे पहले आई हैड स्टार्टेड ईटिंग हेल्थियर मेरा मुझे ना जितने भी नेगेटिव थाट्स आती थी वो सिर्फ खाने के टाइम पर नहीं आती थी तो आई हेड स्टार्टड आई हैड डिवेलप दिस टॉक्सिक ईटिंग प्रॉब्लम कि मैं बहुत ज़्यादा खाता था मुझे उल्टी आने वाली है फिर भी मैं खाए जा रहा हूँ बिकॉज मेरा दिमाग उस वक्त चुप है mm -hmm. तो आई स्टार्ट ईटिंग हेल्थीट वर्किंग आउट बेट एंड आई है जर्नलिंग मैं जर्नल करता था बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअलिटी के साथ एवरी डे एंड वन मोर थिंग मैं इंसिस्ट करता था कि किसी मुझ से मुझसे किसी को मुझसे कोई बात करनी है ना कोई मैसेज आया मैं बोलता था मुझसे फेस टू फ़ेस मिलो तो आई आई वॉन्टेड टू डिवेल्प दैट ह्यूमन कनेक्शन जो लूज़ हो गया था उसके बाद फ़ौर कोविड आ गया तो खैर वो भी नहीं हो पाया इतना ज़्यादा hmm. लेकिन उससे पहले मैं हर किसी को बोल रहा था कि तुम्हें मुझसे अगर कोई पाँच मिनट की भी बात करनी है ना तो hmm. मुझसे मिलो वरना मैं नहीं कर रहा oh, तो या दैट ऑल्सो क्योंकि आप हर चीज़ मेरे लिए सारे इंटरक्शन वर ऑल डिजिटल कोई कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है कि वो मेरे लिए

फोर मंथ्स तो मैंने ये फिगर आउट किया कि मेरे अंदर जो अभी मेंटल हेल्थ इश्यूज तो पर्सनल लेवल पे है ना प्रोफेशनल लेवल पे जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि मैं परफेक्शनिस्ट बन गया तो मुझे सबसे पहले लो एफर्ट कंटेंट बनाना है ताकि वो चीज़ मेरे जहन से ख़त्म हो आई स्टार्टड न्यू चैनल जो नजो टू पॉइंट हो और उस पर मैं रैंडमली रोजाना एक वीडियो डालता था जिसमें लो एफर्ट थी मैं कोशिश करता था वैल्यू प्रोवाइड करूँ मेरे नज़रिए से वो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगी हो लेकिन hmm. वो मोस्ट ऑफ देम वो जस्ट वीडियोस तो वो मैंने बनाया उसके बाद थोड़ा कोविड आ गया कोविड जब जैसे जैसे ख़त्म होने लगा तो देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन माय मेन चैनल अगेन और उसके बाद मुझे बस मैंने अपने लिए एक हैक uh, रख लिया hmm. जो मुझे ये परफेक्शनज़म वाली चीज़ में बड़ा हेल्प किया कि इफ़ आई एम मेकिंग वीडियो आई हैव अलाउड माई सेल्फ ट्वेंटी फोर आवर्स इन सम केसिस फोर्टी एट आवर्स कि इरफान तुम्हें तो जितना क्रिएटिव होना है हो लो इससे ज्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं तो देट हैज़ पुट अ वेरी स्ट्रिक्ट बैरियर के मेरे सामने एक घड़ी चल रही है मेरे पास हाँ। इतना टाइम नहीं है कि मैं एक शॉट पे तीन घंटे लगा दूँ बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दिस वीडियो दिस हैज हेल्प्ड अ लॉट और अगर मुझे दस बारह वीडियोज़ के बाद ऐसा फील होता है कि आई नीड टू मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ Mm -hmm. तो उसके लिए मैं अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देता हूँ बट फॉर नाइंटी परसेंट ऑफ माई वीडियोज आई ट्राई टू मेक दैम इन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स एंड पीपल्स ऑफ आर बिन अ गुड टाइम क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि यूट्यूब इफ यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली इट्स नॉट द राइट मीडियम टू बी स्पेंडिंग वीक्स ऑन अ वीडियो दैट्स नॉट जस्ट

सेवेंटी एटी परसेंट पाकिस्तानी है टेन फिफ्टीन परसेंट इंडियन है फिर यू एस के एक्सपैट्स ये वो जनरली पाकिस्तानी चैनल मेक्स और आपको लगता है अगर आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे होते और आप यूके में या कनाडा में रह रहे होते Would be very different. Uh, रह रहा होता तो फिर तो खैर नहीं होता लेकिन अगर मैं वहाँ पर पला बड़ा हुआ होता उनके कल्चर से मुझे hmm. वो होता तो फिर या मेरे लिए अगर मैं महीने में पाँच छः वीडियोज़ भी बनाऊँ hmm. मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज जो होता करियर वाइज वही होता कि मुझे ब्रांड्स पर इतना रिलाई नहीं करना पड़ता hmm. क्योंकि बाहर डिपेंडिंग ऑन योर जॉन रहा कम से कम अगर आपके मिलियन व्यूज़ आते हैं तो यू गेट अराउंड टू थाउजेंड टू टेन थाउजेंड डॉलर ओके, okay. so, yeah. like कुछ लिखा नहीं जाता. Is there a creatives block? इ, बिल्कुल क्रिएटिव ब्लॉक uh, होता है मेरे साथ भी बहुत हुआ है एंड आई डोंट रियली डू एनी थिंग मेरे पास उसका को, कोई हैक हो mm -hmm. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जिसमें uh, जिसका बेसिक जस्ट ये है कि प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना वो इस पर बिलीव नहीं करते आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि आपका वो ये नहीं बोलेगा कि आज ना मेरा फीलिंग नहीं आ रही मुझे आपका इलाज करने की <laughs> तो प्रोफेशनल जो होते हैं देखें जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को उठाएँ और अपनी राइटिंग टेबल पर बिठाएँ कि आपने आज लिखना है उसके बाद जो भी आइडिया आ रहा है जो भी आ रहा है दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल आपने अपने आप को बिठाया और आपने अपने उस चेयर पे अपने आप को दो तीन घंटे बिठा के रखा दैट्स योर जॉब बाकी जो आपको इंस्पिरेशन आ रही है नहीं आ रही यू कैन कंट्रोल इट टू अटन एक्सटेंट कि आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम करें अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करें तो आपको अच्छे आइडियाज आएंगे mm -hmm. लेकिन आई डोंट लाइक टू बिलीव इन इट मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई है वो परफेक्शन से हुई है mm -hmm. मुझे, block से, as such, मुझे इतना नहीं हुआ अभी डोंट नो अगर आप क्रिकेट इतना फॉलो कर हैं बट टी वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था um, सो जो द फर्स्ट मैच उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएटर्स को ब्लॉगर्स को बुलाया गया था लाइक इवन हमारे सरहद पार इंडिया से फॉर by ऑस्ट्रेलियन tourism टू कम एंड लाइक शूट कॉन्टेंट डू you फील लाइक पाकिस्तानी कॉन्टेंट क्रिएटर्स आर नॉट गिविन द सेम इंटरनेशनल recognition अब uh, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है आई थिंक नंबर्स जो है ना उनसे कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता है नंबर्स स्पीक फॉर देम पाकिस्तान में हाँ कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत मैटर करता है कि यूट्यूब क्रिएटर चाहे वो जितना भी कमा लो hmm. उसको कहीं सब कॉन्शियसली उसको एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न ही समझा जाएगा कंपेयर टू लेट्स से अगर कोई एक्ट्रेस टीवी पे आ रही है hmm. ये एक परसेप्शन है जिसको कुछ साल लगेंगे चेंज होने में लेकिन अब मोमेन साकिब को हर आईसीसी इवेंट में बुलाया जाता है मोस्टली तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स ओके सो um रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल व्हिच सेड दैट पाकिस्तान इज द सेकंड वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इन साउथ एशिया हम हमारी डिजिटल लिटरेसी भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द सेम कॉन्टिनेंट इज सब पार्

अब यू के में यू एस में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है वहाँ पर एडवर्टाइजर ज़्यादा पे करने को तैयार हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है लेकिन अब यूट्यूब जितना बहुत ही एक्सपोनशली गाँवों में और इधर मैं आजकल पिछले एक साल में मैंने जितने चैनल्स देखे व्लॉगिंग के स्पेशली व्लॉगिंग का ट्रेंड मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आ रहा है छोटे छोटे गाँव में लोग व्लॉग कर रहे हैं शहरों में कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर ऑडियंस है जो रोज़ाना उनको देखती है जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ द रूटीन तो आई थिंक इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और पहले मैं अगर यूट्यूब देखता था पाकिस्तान में तो हर तीसरी चौथी पाँचवीं वीडियो के बाद ऐड आता था अब हर दूसरी वीडियो पे ऐड आता है मल्टीपल एड्स आते हैं तो क्रिएटर के लिए तो फ़ायदा ही है लेकिन जब तक पाकिस्तान की इकोनमी जनरली ऐसी नहीं होगी कि हमारा अगर रुपये डॉलर से पचास रुपये का हो जाए

एक मतलब बहुत सारे हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है एक वो हैं जिन्होंने एहतामउद्दीन साहब हैं एक उनको अगर वो काम करना चाहे मेरे साथ और एक्ट्रेस में सबा कमर oh, या hmm. और मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं hmm. एक हैं हमाद हैं वो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं hmm. आपने वो देखा है जी फाइव पे आया दुडेल्स यस yes. में जो में जो जो मेन पुलिस वाला होता है उसके साथ hmm. एक हवलदार होता है दैट इज दैट इज हमद ऑल या तो इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे ज़हन hmm. में हैं बट hmm. वो अभी लिस्ट नहीं है ओके बट द जॉनरा वुड बी लाइक सीरियस ऑफ द फिल्म दैट यू हैव आई हैव Grown up watching uh, all कंपनी uh, hmm. uh, और uh, गैंग्स ऑफ वासेपुर तो खैर बिफोर देर वॉज अनुराग कश्यप देर वॉज राम गोपाल वर्मा और राम गोपाल वर्मा की ज्यादातर मूवीज सरकार वॉज थीम्स तो मुझे ये बहुत फैसिनेट करती है ये चीज़ मेरा ना हर क्रिएटर के लिए ये गोल्डन एडवाइस है बाय द वे हर क्रिएटर के लिए जो अच्छे क्रिएटर्स होते हैं ना वो उस तरह के कॉन्टेंट बनाते हैं जो देखने में उनको मज़ा आता है लेकिन जो लेजेंड क्रिएटर्स होते हैं ना वो उस तरह का कॉन्टेंट बनाते हैं जो वो देखना चाहते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता तो दे मेक इट दैम सेल्व जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ये है और उसका मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला मैंने नेटफ्लिक्स पे फूड डॉक्यूमेंट्रीज देखता था आई रियली वॉन्टेड अ फूड डॉक्यूमेंट्री जो मेरे शहर के कल्चर को रिप्रेजेंट करे हुँ, तो कोई नहीं थी तो आई मेड वन तो इस तरह मैं बहुत चाहता हूँ कि कराची में ये क्राइम रिलेटेड स्टोरीज बहुत होंगी और जो बनाई लाल कबूतर

Uh, क्या कहते हैं उसको सी जी कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स वो yeah. बहुत ज़्यादा फिनल yeah. थे वो लग नहीं रहे थे वो हॉलीवुड लेवल के थे आई एज व्यूअर आई वुड हैव लाइक के अगर थोड़ी सी कम खालिश पंजाबी होती क्योंकि सब टाइटल पढ़ते वक्त आपका एक्सपीरियंस थोड़ा रुइन हो जाता है लेकिन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वाई दे डिड दैट

सबसे जो जरूरी बात है वो यह है कि आपको पता चल रहा है कि हर शॉट में नीचे कुछ लिखा आ रहा है hmm. तो जबकि आप आप उर्दू मूवी देखते देखते हैं 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 या कोई और hmm. देखते हैं तो उसमें उसमें आपको आप नोटिस कर सकते that's true, that's yeah. 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 अच्छा उसका भी बिकॉज़ अनुराग का मेंशन है शुरू में स्पेशल थैंक्स

मैंने सिनेमा वाले से पूछा उसने बोला कि मैं इधर पाँच छः साल से काम कर रहा हूँ मैंने आज तक किसी मूवी के लिए इतना रश नहीं, नहीं देखा नहीं। तीन तीन बजे के शो हाउसफुल जा रहे हैं तो पॉइंट यही है कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ बनाएंगे तो बिल्कुल। वो चलती है आपको कोई वो नहीं करना फिर आपको बात हाँ, करने की जरूरत नहीं है आपको ये भी नहीं करना कि आप पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करें आप ये ये पेट्रियाजम भी नहीं करना पड़ेगा

agriculture and uh, mujhe hydroponics ka soil, hmm. soil less hmm. I hydroponics Soil-less farming. I would have done that probably. Alright, that's very interesting. Yeah. Okay. <clears throat> so, uh, one word to describe the following. I'll take a couple of names. Yeah. Uh, Mahira Khan. Uh, star. Khalil Rahman. Uh, <laughs> 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 Okay, speechless. Yeah, <laughs> speechless. Speechless by <laughs> his talent. Okay, <laughs> Imran Khan. Uh, very uh, very charismatic leader. Okay. Uh, Aliti? Uh, funny. Uh, the amount of hate she has faced, I'd say she's very very courageous. Hmm. Yeah. Hmm.

पूरी दुनिया की सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं कि हमने पाकिस्तान के hmm. खिलाफ हमने कुछ करना है hmm. लोग अपने hmm. कामों में बिजी हैं hmm. Hmm. तो ओके इफ द फॉलोइंग पीपल वर नॉट इन द करेंट प्रोफेशंस व्हाट शुड दे बी या मोरो सिंगर मतलब ही इज ऑलरेडी अ सिंगर बट फुल टाइम म्यूजिशियन मेसी मेसी लियोनेल मेसी या ही शुड बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट ओके बाबर आजम

एक गाना है डूबा बाय okay. उद्भव एक गाना है साया बाय कश्मीर okay. और अभी आज कल रात को डिवाइन की नई एल्बम आई है तो दैट होल एल्बम वो मेरे टॉप लिस्ट योर फेवरेट सिटी इन पाकिस्तान कराची ओकेट बी आई वोट एवर रीडल यूट्यूब कॉमेंट अच्छा ब्लॉक कर देता हूँ हाँ मैं जब किसी को डिलीट और ब्लॉक करता हूँ तो करता था तो दे टेक इट वेरी पर्सनली दे जनरली हमारी सोसाइटी ये समझती है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि आपको गालियाँ पढ़ेंगी विच आई डोंट अग्री विथ लेकिन लोग समझते हैं कि हमने तो किया ना लेकिन तुमने ब्लॉक क्यों किया लोग ऐसे समझते हैं कि हम उनको ओ करते हैं कि नहीं नहीं आप देखो आप गालियाँ दो अब मैं ये करता हूँ कि मैं मतलब दिस वन अगर आप इस पूरी पॉडकास्ट से कोई एक चीज सीखें ना लेट इट बी दिस वन सेंटेंस वो ये है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्स को और इंसल्ट को सिमिलर वैल्यू करता हूँ क्योंकि अगर आप का एक यूट्यूब hmm. कॉमेंट एक फीडबैक सेक्शन है hmm. अगर आप उसकी तारीफों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तो उसकी गालियां आपको बहुत बुरी लगेंगी तो यू गिव इट सेम इम्पोर्टेंस ये सेम इंटरेस्टिंग ओके डू यू सी इन आई सी माई सेल्फ मेकिंग थ्री फोर मंथ्स Okay. and I see myself taking a lot more pictures एंड आई सी माई सेल्फ डूइंग समथिंग जिससे मेरे पैसे बन रहे हों लेकिन उसकी डिस्कशन ना मेरी वीडियोज़ में होती हो ना किसी और चीज़ में होती हो आई डायल टेल यू अ वेरी फनी स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे मेरे मतलब ये कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन होती हैं आपकी लाइफ में जो एक कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी प्रिजेक्ट्री बदल देती hmm. है दिस वॉज वन ऑफ दोस्ज कानवर्सेशंस मैं और मेरे कुछ दोस्त बैठे थे उसमें से सारे वो किसी ना किसी तरह ना किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में कोई पॉडकास्ट uh, है किसी की कोई इलस्ट्रेटर है कोई फोटोग्राफर uh, है हुँ. कोई एडिटर है तो हम सब स, uh, बात ये निकली कि अगर आज आपके अकाउंट में दस मिलियन डॉलर क्रेडिट हो जाए वुड यू कीप डूइंग व्हाट यू आर स्टिल डूइंग तो जो एलस्ट्रेटर थे उन्होंने बोला कि मैं इलस्ट्रेट करूँगा hmm. लेकिन मैं पब्लिकली नहीं करूँगा मैं अपने लिए करूँगा hmm. जो पॉडकास्ट होस्ट थे उन्होंने बोला आई लव दीज कॉन्वर्सेशन आई हैव मैं वो करता रहूँगा शायद मैं पोस्ट ना करूँ hmm. मैंने ये बोला और उस वक्त सोचने का टाइम नहीं था इतना तो मैंने ये बोला कि आई माइट नॉट मेक वीडियोज़ बट आई विल कीप टेकिंग पिक्चर्स तो आई थिंक उससे मैंने अपने लिए अपने बारे में ये hmm. सीखा कि जितना मजा मुझे फोटोग्राफी में आता hmm. है

सो मतलब लाइफ में वी ऑल हैव लाइक माइल स्टोन्स फॉर यल्व कि यू नो यहाँ पहुँचेंगे तो खुशी होगी ये कर लेंगे तो फिर नहीं इसके बाद ये हो जाएगा तो फिर वी यू नो फाइनली बी हैप्पी आई थिंक विद यू जिस तरह आपको लाइक आपने माशाला से यू अचीव सो मच इन योर लाइफ आपको पहले एक लाख सब्सक्राइबर्स उसके बाद यू नो माशाला से यू क्रॉस वन मिलियन इज़ वेल लाइक यूट्यूब ऑफिशियल पेज गिव यू शाउट आउट इज़ वेल डू यू फील लाइक देर इज़ लाइक दिस underlying concept of hedonic adaptation, yeah. where you you feel like you've reached, you work so so hard, but then that is this so transient. अगर आप इस ब्रॉडकास्ट से कोई चीज़ सीखें तो लेत इद, लेत बी दे <laughs> के, आ, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे इस चीज़ पूरे कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले पाँच सालों में इतना कुछ हुआ है कि मैं हर किसी को यही मशवरा देता हूँ कि डोंट थैंक टू मच अबाउट गोल्स आप अपने आप को प्रोसेस अगर आप ढूँढने लगेंगे ना जो आप जो आप दैट मेक यू फील कम्प्लीट फुलफिल्ड या दिंग्स दैच यू इंजॉय इस मैं शायद इसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द यूट्यूबर्स डेट आई नो एंड टू जब उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए उसके अगले दो तीन महीने तक देवर लॉस्ड अब क्या करना है लाइफ में hmm. इतनी मेहनत की hmm. हाँ तो अब क्या करें उसके बाद कोई किसी का दिल ही हट जाता है यूट्यूब से कोई दोबारा वो ढूंढ लेता है कमिटमेंट तो अपने आप को ना आप गोल से अटैच नहीं करें गोल्स बस आप डरेक्शन के लिए रखें जैसे मेरे अगर दो मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं मेरे लिए कोई वो बहुत ही कोई मैसर मोमेंट नहीं होगा मेरे लिए देखें खुशी जो है ना हमें यह सिखाया जाता है कि वो एक फ्लीटिंग फीलिंग है तो खुशी को चेज करना आप छोड़ दें यू गो आफ्टर फुलफिलमेंट यू गो आफ्टर जॉय जो कि थोड़ा लंबा इमोशन है जैसे कि आई एम मेकिंग आई आई लव बिल्ट अ ऑफ लाइक माइंडेड पीपल ये एक फ्लीटिंग फीलिंग नहीं है ये एक कॉन्स्टेंट मेरी लाइफ है जिसमें आई फाउंड पीस फुलफिलमेंट तो आप छोटी छोटी उसके पीछे नहीं भागें नहीं एब्सोल्युटली और आई थिंक जो आपने बात बोली थी ना कि वंस यू बिकम Uh, too much of a perfectionist i have okay i think then you just become like you, you're never happy with yeah. enough right because yeah. it's never enough yeah. so yeah i think it's key advice ebt um, perfectionist should spend time with nature um, i don't know if it's going to work for you but um, my mom gave me this advice and it worked for me yeah. so मैं देखिए मेरी आ, जो परफेक्शनिज्म वाला जो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी वो इस वजह से हुई थी कि मैं मैंने अपनी पूरी आइडेंटिटी को उससे कनेक्ट कर दिया था कि आई मेक गुड वीडियोस तो एज लॉन्ग एज आई एम गुड वीडियो आई एम मेकिंग गुड वीडियोस आई फील गुड अबाउट माय सेल्फ मेरे पास अपने आप को बताने के लिए कुछ और था ही नहीं कि यार तुम एक अच्छे इंसान भी हो hmm. अच्छे बेटे भी हो गुड hmm. हजबेंड hmm. तुम यू आर काइंड विद पीपल ये वो hmm. तो मेरी सारी जो वैल्यू uh, mm -hmm. थी वो इस वजह से मेरे लिए आ रही थी कि आई मेक गुड वीडियोज़ और अगर मुझे उस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा mm -hmm. तो आई एम टेकिंग इट वेरी पर्सनली कमेंट वगैरह से बहुत पहले इन द मेकिंग स्टेज कि नहीं यार दिस मींस के आई एम अ बैड पर्सन योर सेल्फ वैल्यूज आर डिपेंडिंग ऑन लाइक या योर वीडियोस या या मेक्स सेंस बट पता आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस एज़ वेल लाइक आपका एक फुटबॉल प्लेयर वे हिज एंटायर सेल्फ Image and of value would depend yeah. on the way he plays, like yeah. not his interpersonal relationships, you know, yeah. um, or or the kind of person he is. Okay, so you said that you have undergone a journey, mm -hmm. and that made you discover um, and come up with a new YouTube channel. You call it like Junejo 2.0. Um, so, could you share journey? Share Like, how is Junejo 2.0 different from uh, the original? ओके okay, तो जो ओरिजिनल वाला है पहला वाला उसमें एक सर्टन क्वालिटी मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और अगर वो सिर्फ अगर कैमरा क्वालिटी में ना हो तो एटलीस्ट एडिटिंग टाइपोग्राफी म्यूज़िक उन चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ एटलीस्ट यू मेंटेन अ सर्टन स्टैंडर्ड दैट इज़ सस्टेनेबल फॉर अ सोलो क्रिएटर बीच में मैंने इस तरह की गलतियाँ की थी कि मैं अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया था कि वो एक बंदे के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था लाइक आई गॉट अ कैमरा जिसकी इमेज क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसमें ऑटो फोकस नहीं था hmm. तो फॉर एवरी सिंगल शॉट मैं भाग के जाता था फोकस कर फिर hmm. आगे बैठता था तो इट वॉज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और टू uh, पॉइंट जो है ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट्स और uh, कोई उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई क्वालिटी का वो नहीं है वॉट एवर आई फील लाइक मेकिंग जैसे uh, आज लोगों के होते हैं फिंस्टा Mm -hmm. और स्पैम अकाउंट्स हां तो वो वही थोड़ा नॉट अ ग्रेट वे टू एक्सप्लेन इट सो इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड डू वन थिंग डिफरेंटली दैट यू फील लाइक वुड इंप्रूव योर करियर ट्रैजेक्टरी व्हाट वुड इट बी आई वुड नॉट टाइम माय सेल्फ टू सब्सक्राइबर माइलस्टोन्स मेरी सेंस ऑफ अचीवमेंट को और मैं बस ये करूंगा कि मैं अपने आप को प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व रखूं मेक वीडियोस एंड उसकी जो भी मैं उन लोगों से फीडबैक लूँगा जिनका मुझे जो मेरे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं नॉट जस्ट रैंडम स्ट्रेंजर्स आपका हु योर बिगेस्ट क्रिटिक मैं खुद हूँ अपना बिगेस्ट क्रिटिक ये इंट्रोवर्ड्स का ये भी एक मसला होता है <laughs> yeah. मैं, अप, मैं जितना अपना बड़ा क्रिटिक मैं हूँ उतना मुझे आज तक कोई नहीं मिला ओके व्हाट अबाउट लाइक अगर आपको चले ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए आफ्टर योरसेल्फ <laughs>

हर कोई मुझे ऑनेस्ट फीडबैक ही देता है जैसे been many times मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि यार ये वीडियो ना ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया hmm. ये थोड़ा बोरिंग हो गया था मज़ा नहीं आया ये वो तो मैंने अपने दोस्तों को मेरे तमाम जो भी मेरे सर्कल में लोग हैं उनको एक बात पता है कि वीडियो hmm. अगर आज मैंने पब्लिश किया hmm. तो अगले दो तीन दिन मुझे उस वीडियो पे फीडबैक नहीं दें hmm. क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है अगर आप देंगे भी तो मैं डिफेंसिव हो hmm. Hmm. तीन चार दिन गुजर वो थोड़ी hmm. दिल से दूर हो जाए hmm. उसके बाद फीडबैक और उसमें से जो मुझे लेना होता है मैं ले लेता हूँ अगर आप दो तीन दिन के अंदर दें

और नॉट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ऑफ पीपल मेरा बिगेस्ट फेयर ये है कि माई पीपल अराउंड मी दैट आर रियली वैल्यू एंड चेरिश वुड नेवर नो कि हाउ मच आई चेरिश एंड लव दम और दूसरा बिगेस्ट फेयर ये है कि मुझे आई गिव अड कम्फर्टेबल लाइफ स्टाइल टू माई फैमिली और वो मुझे प्रोवाइड करना है अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे बहुत बुरा फील होगा अपने बारे में पाँच साल बाद दस साल बाद एक बहुत अच्छी ऑफर आए फॉर लाइक अ कॉर्पोरेट नाइन टू फाइव जॉब वुड यू डू इट डिपेंड करता है कि काम क्या करना है hmm. और अगर मुझे काम मज़ेदार लगेगा तो hmm. मतलब काम ऐसा होना चाहिए कि अगर वो मुझे आ, हमारी जो पैसों के बारे में कॉन्वर्सेशन हो सबसे एंड में hmm. अगर ऐसा कोई काम होगा तो आई डू इट ओके चले एक बस हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें mm. हम फोर्टी फाइव में आपसे बहुत रैंडम सवाल पूछेंगे जिनका mm. जवाब आपको पता होगा like, basic general, uh, yeah. आप जितने ज्यादा आंसर कर लेंगे uh, उस पर <laughs> <win a hamper. laughs> <laughs> <अफीज जालंदी. laughs>